हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। सिसाना गांव में चोरों ने एक बंद मकान में घुसकर 5,40,000 रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। मकान मालिक मनदीप ने पुलिस को शिकायत दी है, जिस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। चोरी के समय घर में कोई मौजूद नहीं था और मकान पर ताला लगा हुआ था। मनदीप जो सोनीपत में प्रॉपर्टी डीलर है, घटना के समय दिल्ली गया हुआ था। उसकी माँ भी मामा के घर गई हुई थी। पड़ोसियों ने मकान के गेट का ताला टूटा हुआ देखा और मनदीप को सूचना दी। जब वह दिल्ली से लौटा और घर की जांच की तो पाया कि चोरों ने मुख्य गेट, नीचे और ऊपर के कमरे और सीढ़ियों के दरवाजे के ताले तोड़ दिए थे। चुबारे में रखे बिस्तर और नीचे कमरे में मौजूद अलमारी को खंगालकर चोरों ने नकदी और आभूषण चुरा लिए। चोरी में 5,40,000 रुपये नकदी के साथ सोने और चांदी के आभूषण चोरी हुए हैं। जाँच के दौरान पता चला कि चोरों ने पास के एक अन्य मकान में भी चोरी का प्रयास किया था, लेकिन वह मकान खाली था। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति दिखा, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। केएमपी पर सड़क हादसे में चालक की मौत। खरगोदा केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसे में कंटेनर चालक कालूराम की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब वह आगे चल रही कंटेनर चालक ने अचानक से ब्रेक लगाए, जिससे पीछे चल रहा कंटेनर टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कालूराम का कंटेनर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। राजस्थान के गांव माली मोहल्ला निवासी कालूराम कंटेनर चालक के रूप में काम करता था। वह कुंडली से गुरुग्राम की ओर जा रहा था। पिपली टोल प्लाजा से 4 किलोमीटर आगे यह दुर्घटना हुई। गंभीर रूप से घायल कालूराम को खरगोदा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के मामा हरिशंकर ने आगे चल रही कंटेनर चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजनों को सौंप दिया है। अनाज मंडी में रखी आढ़ती की 20 बोरी चोरी। खरगोदा शहर के अनाज के आढ़ती बलवान सिंह ने उसकी आढ़त की दुकान के बाहर से 20 बोरी धान की चोरी होने की शिकायत पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बरूना गांव के बलवान सिंह का कहना है कि उसकी खरगोदा की अनाज मंडी में जीनल ट्रेडिंग के नाम से आढ़त की दुकान है। हाल समय में मंडी के धान की फसल की खरीद फरोख्त चल रही है, जिसके तहत उसने भी धान खरीदा हुआ है। उसने किसानों से खरीदे हुए धान की बोरियों में भरकर अपनी दुकान के बाहर ही मंडी की फड़ी पर लगाया हुआ था। रविवार को वह रात करीब 10 बजे अपनी दुकान बंद कर चला गया था, जिसके बाद जब वह अगली सुबह दुकान पर पहुंचा तो पाया कि धान की बोरियों के ढेर में से काफ़ी बोरियां गायब हैं। जांच करने पर उसने पाया कि कोई 20 बोरी धान चोरी कर ले गया, जिसकी शिकायत उसने खरगोदा थाने में दी है। स्टॉक के बाहर खड़े ट्रैक्टर लोडर चोरी। खांडा गाँव में एक रोडी डस्ट के स्टॉक के बाहर खड़े ट्रैक्टर लोडर को चोर चोरी कर ली गई। मालिक द्वारा मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, जिस पर केस दर्ज कर लिया गया है। खांडा के मुकेश का कहना है कि उन्होंने गांव में ही रोडी डस्ट का स्टॉक किया हुआ है। ट्रोलियों में रोडी डस्ट को भरने के लिए उन्होंने एक ट्रैक्टर पर लोडर लगाया हुआ है, ताकि आसानी से सामान लोड किया जा सके। उन्होंने अपने ट्रैक्टर लोडर को स्टॉक के पास ही खड़ा किया था, लेकिन रात 8 बजे देखा तो वहाँ पर ट्रैक्टर लोडर नहीं था, जिसको कोई चुरा ले गया है। ATM कार्ड की अदला बदली कर खाते से उड़ाए 90,000। खरगोदा निजामपुर माजरा गांव की अंजू के खाते से ATM कार्ड बदलकर 90,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। अंजू ने बताया कि वह गांव के बस स्टैंड के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ATM से पैसे निकलवाने गई थी। कार्ड डालते ही एक युवक ATM केबिन में घुस गया और मदद के बहाने उसका कार्ड बदल लिया। युवक ने कार्ड को बाहर निकालते हुए अपना कार्ड दिखाया और फिर उसका कार्ड मशीन में डालने का नाटक किया। पैसे न निकलने पर अंजू बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद उसके फ़ोन पर 90,000 रुपये निकालने के मैसेज आए। जब उसने कार्ड चेक किया तो पता चला कि उसका कार्ड बदलकर किसी फिरदौस बानो के नाम का कार्ड दे दिया गया है। अंजू ने तुरंत बैंक से संपर्क कर कार्ड ब्लॉक करवाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजकीय महाविद्यालय पीपली में रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा भारतीय जल सेना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. तराना नेगी द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि भारतीय जल सेना की स्थापना 1612 ईस्वी में हुई थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय नौसेना को एक स्वतंत्र सेना के रूप में स्थापित किया गया था। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य शानु वरुणा है, जिसका शाब्दिक अर्थ जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत की सीमा को समुद्र 3 ओर से स्पर्श कर रहा है। प्राचीन काल से ही हिंद महासागर भारत के साथ जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर से युद्ध कौशलात्मक एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग निकलते हैं, जिसके कारण विश्व शक्तियों की होड़ का केंद्र बिंदु बन गया है। हिंद महासागर की सुरक्षा के साथ साथ भारत का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। भारतीय नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापारिक सुरक्षा एवं मानवीय सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी 5 कमांड है। इस अवसर पर छात्र बिंदु ने नौसेना की संगठनात्मक संरचना व कार्य प्रणाली को विस्तार पूर्वक बताया। नौ सेना का प्रमुख कार्य जलीय क्षेत्र के साथ साथ थल सेना व वायु सेना को भी सहयोग देना है।
डॉक्टर विनोद मलिक ने जल सेना के गौरवशाली इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए 1971 के युद्ध में जल सेना द्वारा की गई अभियानों की जानकारी दी। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में छाया, कल्पना चावला विद्यापीठ। खांडा रोड स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत आयोजित की गई अनेक जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय के साथ साथ खंड का नाम रोशन किया है। ये प्रतियोगिताएं 3 व 4 दिसंबर को SM हिंदू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत में आयोजित की गई थी। विद्यार्थियों ने भाषण, प्रश्नोत्तरी, श्लोकाउच्चारण, संवाद आदि प्रतियोगिताओं में जिला स्तर पर भाग लिया। संवाद में दिव्या व दक्ष ने जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं श्लोका उच्चारण में वंश ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भाषण में पहले वर्ग में अनन्या ने तृतीय स्थान तथा दूसरे वर्ग में भूमिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रश्नोत्तरी में विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। विद्यालय पहुंचने पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। कन्या महाविद्यालय खरकुदा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2 द्वारा कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रमिला के नेतृत्व में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा 8 दिसंबर को विशेष पोलियो अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत हाई रिस्क एरिया जैसे ईंट भट्ठा पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों, फैक्ट्री एरिया, स्लम एरिया और निर्माणाधीन भवनों पर काम करने वाले लोगों के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। महाविद्यालय की NSS यूनिट 2 की स्वयं सेविकाओं और कम्युनिटी आउटरीच की छात्राओं ने मिलकर खरगुदा क्षेत्र में महाविद्यालय के साथ लगते स्थानों पर यही संकल्प हमारा है, हरियाणा को पोलियो मुक्त बनाना है के नारे लगाते हुए रैली निकाली और लोगों को पोलियो के बारे में जागरूक करते हुए 8 दिसंबर को अपने बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाने के लिए प्रेरित किया। इस रैली में 50 छात्राएं शामिल हुई। दूसरी ओर महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद यूथ सेल प्रभारी डॉक्टर शालिनी के नेतृत्व में प्रश्नोत्तरी और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। छात्राओं को प्रेरित करने के लिए युवा प्रकोष्ठ ने यह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका विषय विकसित चुनौती में विकसित भारत को आकार देना रहा। इस पहल का उद्देश्य युवा दिमागों को विकसित भारत के भविष्य के दृष्टिकोण को आकार देने में शामिल करना है। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत, दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।